Hey, how's it going everyone? My name is Mari Pad. बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे Sky Block के वर्ल्ड में. So guys, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी बहुत ज्यादा काम करा अपने वर्ल्ड में, बहुत ज्यादा काम. और उसमें से कुछ काम ऐसे है जो कि मतलब ऑन कैमरा करना मतलब एकदम टाइम वेस्ट वाला काम है. ओके, मैं तुम लोगों का वो चीज बताऊंगा, पर तुम लोग सबसे पहले ये चीज चेक करो मेरे लेवल्स. फर्स्ट टाइम मैंने इस गेम के अंदर 9 लेवल्स देखे भाई साहब. इससे पहले आई थिंक मैं 5 या 6 लेवल्स तक पहुंच गया था. आई थिंक 5 तक पहुंचा था मैं हाईएस्ट है ना इससे पहले. तो गाइस, मैंने तुम्हें से किसी का एक कमेंट पढ़ा था अपने लास्ट स्काई ब्लॉक के वर्ल्ड में, और उसी कमेंट को पढ़ने के बाद मैंने वो काम स्टार्ट किया था, और मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो काम क्या है. तो भैया, मैंने इससे पहले यहाँ पर बैठ के थोड़ी सी फिशिंग करी है, और फिशिंग करने से गाइस मेरे को बहुत ही सही माल मिला है, बहुत ही सही माल मिला है. मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर एक चेस्ट बनाई अलग से फिशिंग लूट की, मैंने अलग से एक चेस्ट बनाई है यहाँ पर, ठीक है. और मैं जो भी फिशिंग वगैरह करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर सारा का सारा सामान अपना सेफ रखने वाला हूँ, ठीक है ना. तो तुम लोग सबसे पहले गेस करो मेरे को क्या क्या चीजें मिली होगी. मतलब बड़ा एक्साइटेड हूँ तुम लोगों को दिखाने के लिए. ओके, सो लेट मी शो यू गाइस, ओके, कि मुझे क्या मिला है. चेक दिस आउट गाइस. तो गाइस, मेरे को यहाँ पर फिश वगैरह मिली है, कुछ वाटर बॉटल्स मिली है जिसका कोई काम नहीं है, सैडल मिला है मेरे को बेसिकली यहाँ पर. एंड यहाँ पर एक मेरे को लेदर मिला है साथ ही साथ. एंड गाइस, इसके अलावा मेरे को मिला है बोस, लुक एट दिस, पावर 4 का बो है, और साथ ही साथ अनब्रेकिंग 3 एंड पावर 4 का एक और बो है. यानी कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ ना, तो मेरे पास एक पावर 5 का बो आ जाएगा. लेकिन आई थिंक इसके लिए मेरे को एनविल की जरूरत पड़ती है, राइट. और इस गेम के अंदर एनविल तो हम लोग बना नहीं सकते, सबसे पहले मैं सो जाता हूँ एक बार, राइट. बट ओई, जस्ट वेट अ सेकेंड, मेरा डर्ट ब्लॉक कहाँ गया यहाँ से? व्हाट, मेरा डर्ट ब्लॉक कहाँ गया यहाँ से? लास्ट वीडियो में याद करो तुम लोग, उस एनिमल बदसूरत के पास एक डर्ट ब्लॉक था ना हाथ में. यस, उसने यहाँ से निकाला था वो. वही तो मैं सोचूं कि भाई बंदा डर्ट ब्लॉक लेकर कहां से आ गया है. खप्पी है सेंडरमैन. बट गाइस, द थिंग इज मैंने ये AFK मैंने ये फिश फार्मिंग क्यों करी इससे पहले, अब मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ. उसका भी एक स्पेसिफिक रीजन था, उसका भी मेरे को कमेंट आया था, ठीक है. अब वो चीज मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को अभी दिखा देता हूं कि वो चीज क्या है. ओके, मैंने उसको यहां से निकाल के यहां साइड में रख दिया था, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम लोगों के लिए. ओके, अगर तुम लोग गेस कर सकते हो ना भाई, तो अभी इसी वक्त तुम लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है कमेंट सेक्शन में गेस करने का. वीडियो को पॉज करके मेरे को बताओ कि वो चीज क्या हो सकती है जो कि इसके अंदर वेट कर रही है. ओके, और अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ वो चीज क्या है. चेक दिस आउट गाइस. गाइस, आई गॉट अ नेम टैग. लिटरली मैंने 17 मिनट तक फिश फार्मिंग करी है. मेरी एक पूरी की पूरी फिशिंग रॉड टूट गई थी, और एक फिशिंग रॉड मेरी थोड़ी सी डैमेज हुई थी, दैट्स इट. तीसरी मेरी पूरी की पूरी सेफ थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस एक नेम टैग के लिए. ओके, अब मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा कि इस नेम टैग का काम क्या है. ओके, बेसिकली मैं इस नेम टैग को अपनी मुर्गी को नहीं देने वाला हूं, ठीक है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि वो यहां से डिस्पॉन हो जाएगी अब, ठीक है. एंड लेट मी चेक ऑन माय मुर्गी. ओ माय गॉड, व्हाट द हेल. नो, मैंने अभी अभी जिस तुम लोगों को बोला ना, मेरी मुर्गी यहां से डिस्पॉन नहीं हो सकती है, वो डिस्पॉन हो चुकी है ऑलरेडी. सी, जो मेरी फर्स्ट मुर्गी थी ना गाइस, मैं मानता हूँ कि वो शायद डिस्पॉन हुई होगी, बिकॉज मैंने उसको अपने पानी के बीच रखा हुआ था, ठीक है. एंड दे आर नॉट सपोज टू बी देयर इनसाइड वाटर. ओके, बट मेरी ये वाली मुर्गी यहाँ से गायब क्यों हुई? ओ माय गॉड. मेरी सरला गाइस, शी इज नॉट डेड. I have no idea कि भाई वो यहाँ से डिस्पॉन कैसे हो सकती है. क्या मेरे को नेम टैग्स ही देने पड़ेंगे अपने मुर्गियों वगैरह को भी क्या है? गाइस, और भाई यहाँ पर मेरा मैला नुक चुका है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है. मैं इसके लिए मैं खुश हूँ. बट गाइस, मेरी सरला मर चुकी है यहाँ से. नो यार, यू नो बाय लक वो मेरे को मिली थी लास्ट एपिसोड में, और मैं इतना ज्यादा खुश था. ओ माय गॉड, अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि इसके बाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी. मेरे अलावा मेरे स्काई ब्लॉक के वर्ल्ड में एक जिंदा वस्तु थी भाई साहब, है ना. बट गाइस, नाउ शी इज नो मोर. एंड अभी मेरे को एक सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, ठीक है. अभी मेरे को यहाँ पर अपने लिए एक साइन बोर्ड चाहिए गाइस, साइन बोर्ड. ओके, साइन बोर्ड के लिए मेरे को चाहिए होगी 6 प्लैंक्स. ओके, तो 3 ओक साइन मेरे पास आ चुके हैं ना. अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक ओक साइन को मैं यहाँ पर लगाने वाला, ठीक है. बिकॉज गाइस, इस चेस्ट के पास मेरे को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज यू नो आगे की वीडियोस में लोग मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि अभी तेरे पास वो कहाँ से आई, फिर उनको लगता है कि मैंने शायद से क्रिएटिव का इस्तेमाल किया होगा. बेवकूफ होता भाई कुछ इस दुनिया में लोग. फिश फार्म लूट. ओके, ये है मेरी फिश फार्म लूट.
एंड इन दोनों को मैं वापस रख देता हूँ ऊपर, इनका कोई काम नहीं है फिलहाल के लिए। अब मैं तुम लोगों को कुछ चीजें दिखाता हूँ जो कि मैंने इससे पहले करा है। तो इससे पहले मैंने बहुत सारी डर्ट बनाई है, मैंने इससे पहले बहुत सारे कबल स्टोन, आई थिंक कबल स्टोन से मैंने खोदे भी नहीं थे, ये तो मेरे पिछली वीडियो में ही जो मैंने खोदे थे ना वही है, मेरे को खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। बट मैंने कुछ प्लैंक्स वगैरह बनाए हैं गाइस, इससे पहले बहुत सारे पेड़ों वगैरह को खोद के यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, बट यहाँ पर एक ने भी अभी तक सैपलिंग ड्रॉप नहीं करी है, ये अभी तक डिस्पॉन हुआ नहीं है यहाँ से, बिकॉज सारे की सारी वुड्स मैंने निकाली नहीं ना इसकी, इसीलिए। डजंट मैटर, हमारे पास सारा का सारा सामान है गाइस। आज पहले मेरा प्लान था कि मैं इस जो ये नेम टैग वाला सीन है ना मेरा, मैं इसको करना चाहता था ठीक है, बट अब जैसा कि मेरे को यहाँ पर शौक लग चुका है कि भाई मेरी सरला यहाँ से डिस्पॉन हो चुकी है, तो भाई अभी तो मैं सबसे पहले एक स्पॉनेबल प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ यहाँ पर ठीक है। और इसी के लिए गाइज मैंने बहुत सारे डर्ट और ये कबलस्टोन वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर, तो अभी हम लोग अपने लिए बनाएंगे एक स्पॉनेबल प्लेटफॉर्म। उसके लिए मैं बहुत सारे स्लैब्स वगैरह बनाने वाला हूँ सबसे पहले, तो और स्लैब्स की जरूरत है मेरे को, एंड आई थिंक 3 stacks से ज़्यादा इतने काफ़ी होने चाहिए मेरे हिसाब से। स्लैब्स के थ्रू गाइज मैं किसी एक जगह को थोड़ा सा बड़ा बना दूंगा ना, और मैं सोच रहा हूँ मैं किस साइड के लिए बनाऊँ इसको, मैं आई थिंक ये वाली साइड अच्छी रहेगी ना इस साइड के लिए। ओके सबसे पहले तो भाई मैं यही चाहूंगा कि एक चिकन आ जाए मेरे पास, जो कि मेरी फिर से सरला बन सकती है, बिकॉज मेरा फर्स्ट एनिमल गाइस इस स्काई ब्लॉक वर्ल्ड का फर्स्ट एनिमल है, उसके साथ लगाव कुछ अलग लेवल का होता है, तुम लोग समझ सकते हो मेरे हिसाब से। एंड ऑब्वियसली मेरे पास गाइस यहाँ पर सैडल भी है, तो अगर एक पिग स्पॉन हो गया ना या फिर एक घोड़ा स्पॉन हो गया, भाई साहब घोड़े का मेरे को पता नहीं है कि स्पॉन हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, बट अगर एक पिग स्पॉन हो गया तो मैं सैडल उसको लगा सकता हूँ, या फिर एक डोंकी स्पॉन हो गया तो मैं उसको भी सैडल लगा सकता हूँ। ओके तो भाई ये बहुत ही सही चीज हो जाएगी मेरे साथ। Much later. हो भाई साहब यहाँ पर एक एंडरमैन आ चुका है, ओ भाई तुम्हें को धक्का दे के नीचे मत गिरा दियो गलती से भी, इसको मैं अभी शॉट मारूंगा तो नीचे गिर जाएगा क्या ये? पर अगर ये नीचे नहीं गिरा तो ये मेरे पे हमले स्टार्ट कर देगा, जो कि मैं अभी बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। इसको मैं पुश करता हूँ, चल नीचे वहां से तू ये वहां से तो शायद से ये टेलीपोर्ट करके आ भी नहीं सकता नीचे से फालतू में मार दिया बेचारे को मैंने यार। And that is it. Okay, इतना मैंने बड़ा कर दिया, अभी पूरा का पूरा स्लैब है। Okay, इसके ऊपर मैं डर्ट ब्लॉक्स अभी लगा नहीं सकता हूँ ठीक है ना, तो मेरे को अभी इसकी डबल लेयर लगानी पड़ेगी यहाँ पर। हाँ इससे बड़े तो मैं कबल स्टोन्स का इस्तेमाल कर लेता यार, मैं अभी क्या करता हूँ भाई, मैं थोड़े बहुत और कबल स्टोन्स लेकर इनके स्लैब्स बनाता हूँ। ओके और इनको मैं कवर करता हूँ पूरा का पूरा डबल लेयर करके, आसपास मैं वॉल्स वगैरह लगाता हूँ और फिर डर्ट ब्लॉक्स वगैरह लगाता हूँ, मतलब मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ उसको भाई एक बार ठीक है। तुम लोग कुछ देखो अभी, मच मच लेट है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इस तो मैंने टोटल यहाँ पर 120 का इस्तेमाल करा है ना, इस साइड के लिए 8 है और इस साइड के लिए 10 है, नहीं एक साइड के लिए 10 है और एक साइड के लिए 12 है। एंड ओके आई फॉरगॉट वन थिंग गाइस, यहाँ पर अगर स्पॉन कराना है ना तो उसके लिए गाइस हमें डर्ट ब्लॉक्स की नहीं, हमें ग्रास ब्लॉक्स की जरूरत होती है, तो सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ एक बार, एंड उसका जुगाड़ भी है मेरे पास। सो एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है भाई साहब, मेरी वॉल्स ही खत्म हो गई यहाँ पर और मेरे पास कबल स्टोन्स भी नहीं है, मेरे को फिर से अभी इस वीडियो में कबल स्टोन्स खोदने पड़ेंगे। हे भगवान, मेरी ब्रेड दो मेरे को, सबसे पहले ब्रेड खाने दो भाई साहब। ओ भाई तेरे दोस्त को मैंने नीचे गिराया, तेरे को भी नीचे गिरा दूंगा मैं, तेरे पे हमला नहीं करूंगा बट मैं तेरे को नीचे गिरा देगा भाई। मैंने एक चीज नोटिस करी गाइस कि जो एंडरमैन है ना ये लोग बड़े शरीफ है इस गेम के अंदर, स्काई ब्लॉक के जो एंडरमैन है बड़े शरीफ होते हैं भाई साहब, अगर आप इनको देख भी लोगे ना इन पे हमले भी कर दोगे, और अगर आप छुपे रहोगे तब भी कई बार यहाँ पे हमला करते नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। तो भाई मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस डर्ट ब्लॉक को उस ऊपर ग्लास ब्लॉक के साथ चिपका देना है, एंड दैट्स इट आई थिंक, अभी काम कर जाना चाहिए मेरे हिसाब से राइट। अब बस मेरे को वेट करने की ये ग्रास यहाँ से स्प्रेड होके जाएगी, यहाँ से जाएगी वहां तक, और एक ग्रास ब्लॉक अगर वहां पहुंच गया ना भाई साहब तो मेरा काम हो जाएगा। या तो फिर गाइस मैं एक और काम कर सकता हूँ, अगर मैं किसी एंडरमैन को आंख में देख लूँ ना, और हो सकता है वो यहाँ से कोई एक ग्रास ब्लॉक तोड़ ले राइट मेरे को मारने के लिए, और उसको मैं फिर वहां पर चिपका दूंगा, वरना ये वाला जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है। ओके सो वन एंडरमैन, ओ माय गॉड, ओके ओके लेट्स सी। अबे ग्रास ब्लॉक उठा प्लीज ऊपर से भैया, ग्रास ब्लॉक उठाइए। एंड गाइस ओके यहाँ पर मेरा नेम टैग वाला काम आएगा। वाओ इसने एक डर्ट ब्लॉक उठाया, इसने डर्ट ब्लॉक उठाया इस पे, एंड गाइस वहां पर स्पॉन हो चुके हैं। नहीं मैंने गलती कर दी, मेरे को सो जाना चाहिए था एक बार, वहां पर वो स्पॉन हो चुके हैं गंदे। अबे छोड़ ना यार प्लीज एंडरमैन प्लीज सॉरी। और तूने ग्रास ब्लॉक निकाला है मेरे भाई, तूने डर्ट ब्लॉक निकाला बेसिकली, देखो ग्रास ब्लॉक निकालना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से। वहां पर बहुत सारे क्रीपर्स वगैरह स्पॉन हो चुके गाइस, एंड मुझे एक बार सोना चाहिए था, मैं क्या कर रहा हूँ। अगर वहां पर एक क्रीपर ने मेरे को देख लिया ना गाइस अभी तो मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी भाई। गॉड यार ओए बदसूरत,
हाँ यहाँ पर कुछ है क्या जिससे मैं इन पे हमले कर सॉरी चल निकल 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 मेरा 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 डर्ट ब्लॉक वापस कर तू अब भी और इसी वक्त मेरा डर्ट ब्लॉक मेरे को वापस चाहिए समझा और कैसे अब मेरे को यहाँ पर ना सुबह होने का वेट करना पड़ेगा क्या है यार सॉरी मैंने तेरे को नहीं मारना था इस एंटरमैन को गाइस मैं एक रीजन की वजह से नहीं मारूंगा मैं तुम लोगों को बताऊंगा इसके बाद वो रीजन क्या है ओह माय गॉड लुक एट देम गाइस अगर इन लोगों की नजरें मेरे ऊपर पड़ गई ना तो सीन हो जाएगा है ना मैं ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पर डर्ट ब्लॉक्स के साथ खुद को मैं कवर कर लेता हूँ जिससे कि इन लोगों की नजर मेरे ऊपर ना पड़े ठीक है और इस डर्ट ब्लॉक को मैं सुबह होते ही निकाल दूंगा अब स्याप पे तो मैंने मोल ले ही लिए है ना तो भैया अब सेफ रहो एकदम एकदम सेफ रहो आप यहाँ पे ठीक है और बस सुबह होने का वेट करना गाइस मेरे को दैट्स इट अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग यस यहाँ पर सुबह हो चुकी है नाउ लेट्स सी ओह यस सारे के सारे जल रहे हैं बदसूरत जलो और मरो शाबाश पर एक क्रीपर्स तो नहीं जलने वाले ना गाइस आए हाय हाय मेरे को मारने वाला था भैया क्रीपर्स ओ माय गॉड यहाँ पर बहुत नहीं 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 इस क्रीपर ने मेरे को देख लिया अबे यार हद गाइस मेरे को ना भी यहाँ से कल्टी मारना है कैसे भी करके मेरा जो धनुष बाण वगैरह ना वो मैंने पता नहीं कहाँ रखे हुए हैं गाइस मैं इस साइड से जाऊँगा ठीक है और आई थिंक वो वाला जो एंडर मैन है वो अब फ्रेंडली बन चुका होगा मेरे हिसाब से नो क्रीपर नो क्रीपर नो क्रीपर नो क्रीपर नो प्लीज नो क्रीपर ओ माय गॉड ये क्रीपर मेरे पीछे पड़ा हुआ है भाई साहब नहीं 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 देखो इसको यार बदसूरत को देखो मेरे को देख के आ रहा है मेरे पीछे पीछे मेरा धनुष बाण कहाँ पर यहाँ है ना बस ठीक है आजा आजा क्रीपर मैं थोड़ा सा दूर से तेरे को मारने वाला अभी ओए क्या घटिया था ये नो वेस ये फटी गया आखिरकार और इसने मेरे वो अच्छे वाले एंडरमैन को मार दिया जो कि मेरा फ्रेंड बन चुका था इसकी ऐसी की तैसी मर जाओ इन पे हमले करके इनको मार देता हूँ ना मैं ओह माय गॉड गाइस मैंने क्या कर दिया मैंने फालतू में यूज किया ये वाला मैं बहुत प्रेशर में आ गया था अभी अभी यार मेरे को ये वाला यूज करना चाहिए था ये ऐसे बड़े तो मैं नया ही बना देता ओके तो गाइस अगर तुम लोग तू कहाँ से आया तुम लोग भी स्पॉन हो सकते हो व्हाट तू क्यों आया भाई यहाँ पे तेरी ऐसी की तैसी चल तू वहीं पे पड़ा रहा ठीक है ना तू भी मेरा दोस्त है अब से ठीक है तू मेरा दोस्त है अब से तू यहीं पर रहेगा बट इसके बाद तो गाइस मेरे को यहाँ पर अभी अपने लिए कबलस्टोन्स वगैरह जनरेट करने हैं यार सो गाइस एक बो बनाया जाए भाई साहब है ना और गाइस मेरे को यहाँ पर बो बना के रखने पड़ेंगे बहुत सारे यार वरना गंद पाते रहेंगे ना ये लोग तो इनका क्या भरोसा है ओ माय गॉड क्रीपर वहां से डिस्पॉन हो चुका है बहुत बढ़िया इनको मारूं मैं जरा डाई थैंक यू क्या बताऊं गाइस मैं तुम लोगों को यार अब मैं बड़ा परेशान हो गया ओ ओ ओ इस बंदे ने वहां पे ग्रास ब्लॉक निकाल दिया बहुत बढ़िया इसको मारना पड़ेगा गाइस अभी मेरे को इसको मैं देखता हूँ एक बार घुसा 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 अंदर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना ठीक है ना आजा बाहर बाहर आजा नो वेस तेरी ऐसे के तैसे मेरे पास कुछ है भी नहीं जिससे मैं इसको मार सकता हूँ अभी वो देखो वो रहा आजा वेयर आर यू ब्रो आप मर जाओ प्लीज रुक जा मैं अपनी स्वॉर्ड निकाल के लाता हूँ तेरे को मारने के लिए ऐसी की तैसी तेरी स्टोन एक्स से मारूंगा तेरे को मैं और अभी मेरे हमला नहीं करेगा गाइस यू गाइस कैन सी मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई ये स्काई ब्लॉक काम कैसे करता है आजा नो अबे ज्यादा घूम मत अरे परे तू समझा मेरा दिमाग मत कर खराब और तू नीचे मत गिरे गलती से भी ठीक है एक शॉट में मरेगा भैया अबे मर जा मार ग्रास ब्लॉक थैंक गॉड गाइस नाउ आई गॉट अ ग्रास ब्लॉक एंड आई एम सो हैप्पी सीरियसली अब मैं क्या करने वाला हूँ सबसे पहले ये सारी सारी इनको तोड़ने वाला सबसे पहले तो मैं एंड दैट्स इट नाउ वी आर रेडी आई थिंक इसको मैं तोड़ देता हूँ ठीक है एंड एक ग्रास ब्लॉक को मैं यहाँ लगा देता हूँ दैट्स इट गाइस अभी यहाँ पर स्प्रेड हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से जल्द ओके और मैं यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ करता हूँ जो कि है बहुत सारी टॉर्चेस बनाना ठीक है तेरी 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 लेटर है वहाँ पे एंड वेट अ सेकंड गाइस 1, 2, 3 and 2 यहाँ से थर्ड एंड यहाँ से सेकंड वाले को छोड़कर मेरे को सारे के सारे डर्ट ब्लॉक नीचे से हटाने पड़ेंगे अभी ओके तो 1, 2, 3 एंड यहाँ से सेकंड वाले ये वाला डर्ट ब्लॉक के अलावा मेरे को सारे तोड़ने पड़ेंगे अगर मैंने ये वाला तोड़ा तो ऊपर से ये गिर जाएगा नीचे वैसे कैसे मैं एक और काम भी कर सकता हूँ यहाँ पर ना कि मैं इसको कैसे कैप्चर कर सकता राइट मैं इसको कैप्चर कर नहीं सकता हूँ क्या अगर मैंने इसको कैप्चर कर दिया ना भाई साहब मजा आ जाएगा लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं अगर मैं इसको कैप्चर कर दूंगा और मेक श्योर कर दूंगा कि ये डिस्पॉन ना हो वैसे गाइस मैं यहाँ पर इसको मेक श्योर करने के लिए कि डिस्पॉन ना हो मैं यहाँ पर नेम टैग का इस्तेमाल कर सकता हूँ बट यार नेम टैग मैंने किसी और पर्पस के लिए लाया था गाइस ओ वहाँ पर गाइस हमारी डर्ट ब्लॉक वहाँ पर स्पॉन होने स्टार्ट हो चुके हैं सो गाइस सी
ये जो नेम टैग का मेरा काम था ना, ये वाला काम तो भाई साहब मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कर सकता हूँ, ओके? ये तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, लेकिन ये बंदा स्पॉन हो ना हो, आई डोंट नो, है ना, हो सकता है स्पॉन ही ना हो इसके बाद कभी हमारे पास। सो इसको बस मेरे को यहाँ से बाहर निकालना है अभी कैसे भी करके। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ गाइस, अभी मैं सबसे पहले इस जगह को लाइट अप कर लेता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि और यहाँ पर फिर से ये बदसूरत स्पॉन हो जाए रात के टाइम पर। ठीक है, मैं यहाँ पर फटाफट इस जगह को लाइट अप कर लेता हूँ एक बार, एंड फिर इसको मैं निकालने की कोशिश करूंगा रात के टाइम पे, बिकॉज अभी ये जल जाएगा, ओके? एंड आई डोंट वांट दैट। फटाफट टॉर्चेस चाहिए मेरे को, 18 टॉर्चेस, बहुत बढ़िया, लेट्स गो, कम ऑन। ऑलराइट, तो भैया ये मेरा यहाँ पर लग चुका है अच्छे से, एंड अब मैं इस बंदे को यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको निकालने की कोशिश कर सकता हूँ बेसिकली। ओए, मैं तो भाई यहाँ से बाहर निकालूंगा, तूने गड़बड़ करी ना तो ऐसे मारूंगा मैं तेरे को। सो उसके लिए मेरे को चाहिए सबसे पहले प्लैंक्स, मैं यहाँ पर एक जगह बना ही देता हूँ ना इसके लिए। ओके, दैट्स इट, इसको मेरे को यहाँ पर लाना है कैसे भी करके, इसको बस यहाँ पर घुसेड़ देना फिर मैंने, जस्ट वेट अ सेकंड, इसको मेरे को थोड़ा और डीप बनाना पड़ेगा अंदर के लिए ना, अदरवाइज ये यहाँ से भर भग जाएगा, मेरे को पूरा यकीन है। देयर इज नो चांस कि मैं इस बंदे को यहाँ पर फिर कैप्चर कर सकता हूँ। ठीक है, इसको और बड़ा करना पड़ेगा मेरे को, दैट्स इट, अब मैं इसको यहाँ पर ला सकता हूँ। ठीक है ना, और मैं खुद कैसे चढ़ूंगा यहाँ से ऊपर, यार मैंने तो सोचा ही नहीं इस बारे में। इसको मैं तोड़ लेता हूँ एक बार। ठीक है, लेट्स डू दिस गाइस, लेट्स डू दिस। ओके भाई जी, क्या आप यहाँ से आ सकते हो बाहर? ओए आ गया, आ गया, आ गया, आजा, शाबाश शाबाश लड़के। सबसे पहले मैं तुमको नेम टैग देता हूँ एक। अबे अबे, मरने वाला हूँ मैं ऑलमोस्ट, क्या कर रहा हूँ मैं? ओ भाई जान, भाई जान, मैं इसको नेम टैग क्यों नहीं दे पाया, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मैं इसको नेम टैग नहीं दे पा रहा हूँ गाइस, मैं इसको नेम टैग नहीं दे पा रहा हूँ। क्या मेरे को नाम चेंज करना पड़ेगा नेम टैग का? इसलिए होता है बिकॉज नाम तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता हूँ ना। आजा बच्चे, कम ऑन ब्रो, कम ऑन ब्रो, कम इनसाइड, कम इनसाइड, अंदर आजा। शाबाश शाबाश शाबाश, अभी मेरे को हमला ना कर पाए बस। ओए ओए ओए, इधर 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 इधर, वापस वापस वापस, हमला मत करियो, बिकॉज एक बार तुमने टच किया ना मेरे को तो मैं गया। गाइस, वी हैव कैप्चर्ड अ ज़ॉम्बी। यस, ये भी ना बात बच्चे, वो चलना निकले ऐसे। तुझे क्या लगता है, तुम्हें को अभी यहाँ पर पेल सकता है? बच्चा है तू अभी मेरे सामने। हाँ शाबाश, यहाँ पर मैं इसको ना डार्क बनाना चाहता हूँ इस रूम को। ठीक है, यहाँ पर मैं डबल लेयर लगा दूंगा, यहाँ से लगा दूंगा, यहाँ से, दैट्स इट। ये बंदा भी यहाँ पर हमारा कैप्चर हो चुका है। व्हाट द हेल, मैं ऐसे कैसे मर गया भाई? तो खप्पोगी यार, That's not good. अरे बच्चे, hello, yeah, you can see me. एक सेकंड रुको जरा, क्या हम लोग ट्रैप डोर से कुछ कर नहीं सकते क्या यहाँ पे? ये खिड़की टाइप बना सकते हैं क्या हम लोग? Let's see. Not like this. यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा नहीं पा रहा इसको. Okay, अब मैंने इसको तोड़ तो दिया है ना गाइस। ये यहाँ से डिस्पॉन हो जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है ये यहाँ से डिस्पॉन हो जाएगा। गाइस, मैं इसको नेम टैग कैसे दूं? मैं इसको नेम टैग नहीं दे पा रहा, मेरे को या तो एक बार ही नाम चेंज करना पड़ेगा ना। नाम तो गाइस हम लोग, देखो भाई, हम लोग कर सकते हैं नाम चेंज सिर्फ और सिर्फ एनविल के साथ, ओके? एनविल के बिना गाइस हम लोग नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड यहाँ से ऊपर ना, ये भी एक स्पॉनेबल प्लेटफॉर्म है अभी, ठीक है? तो मेरे को यहाँ से ऊपर ये स्लैब्स वगैरह लगाने पड़ेंगे अभी और इसी वक्त ऊपर जाके, एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर कोई भी ऊपर स्पॉन नहीं होगा, लेट्स गो डाउन गाइस, लेट्स डू वन थिंग। मैं सबसे पहले यहाँ से थोड़े बहुत कबल स्टोन अभी खोदने वाला हूँ, मेरे को जरूरत है अभी कबल स्टोन की बेसिकली। एंड भाई ये डिस्पॉन नहीं हुआ अभी तक, है ना? तुम लोग इसकी आवाज़ सुन सकते हो, ये डिस्पॉन नहीं हुआ है। बट एक चीज मेरे को बताओ भाई, ये यहाँ पर स्पॉन कैसे हो गया? आई थिंक इसको तो भाई 3x3 का प्लेटफॉर्म चाहिए था शायद से स्पॉन होने के लिए। आई हैव नो आइडिया कि स्पॉन कैसे हुआ यहाँ पर, बट मैं बहुत लकी था यहाँ पर, ओके? अब मेरे पास 9 आ चुके हैं ना, मैं यहाँ पर 3 बनाने वाला हूँ सबसे पहले तो पिकैक्स। एंड ओके गाइस, 40 काफी है, और कुछ यहाँ से पीछे भी रह चुके हैं तो इनको भी मैं उठा देता हूँ फटाफट। 44 इज मोर देन इनफ। वॉल्स बनाओ फटाफट, ठीक है, एंड लेट्स गो। एंड यार भाई, ये तो बहुत ही, ये तो मेरे से एक, मेरे को बड़ा दुख हुआ यार गाइस अभी ये चीज सुन के, कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ अब नेम टैग वाला सिस्टम, बिकॉज नेम टैग लगाने के लिए हमें नाम देना पड़ेगा, डायरेक्ट नेम टैग नहीं लगा सकते हैं। और मैं यहाँ से नीचे तो नहीं गिरने वाला हूँ ना कभी गलती से भी, ओके? मैं नहीं गिर सकता तो मेरे जानवर भी नहीं गिर सकते हैं। सो लेट्स डू वन थिंग। हाँ, मेरे को यहाँ पर भी लगाना है, मेरे को यहाँ के लिए भी लगाना है, मेरे को और कबल स्टोन खोदने की जरूरत है अभी, ठीक है? बिकॉज आई वॉन्ट टू बी सुपर सेफ, आई वॉन्ट टू प्ले सुपर सुपर सेफ गाइस। मेरे को यहाँ के लिए भी इस पाथवे को थोड़ा चौड़ा करके अरे परे वॉल्स लगानी है, ठीक है ना?
तो मैं अभी और खोदने वाला हूँ ये। A few moments later. Yes guys, now it's perfectly safe for me. अब मैं यहाँ से बिल्कुल आराम से उड़ता उड़ता जा सकता हूँ इधर के लिए। Yes. Now next thing, what we'll do is कि हम लोग बोन मील उठाएंगे अपना। मेरे पास बहुत बोन मील पड़ा हुआ है। ऐसा करते हैं, बोन्स भी लेके चलते हैं। एंड या गाइस, 4-5 स्टैक्स बन चुके हैं भाई साहब बोन मील के भी। ओह माय गॉड, यस, अब यहाँ पर स्पॉन होंगे। यस, ओके, नाउ लेट्स सी गाइस कि यहाँ पर कितने हमारे जानवर वगैरह स्पॉन होते हैं। ये बहुत बड़े बड़ी ग्रास आ गई यार, ये नहीं चाहिए मेरे को, ये नहीं चाहिए मेरे को लंबे वाली। इट्स ओके यार, अबे यार ये तो भाई बड़े वाले उग रहे गाइस, तुम लोग देखो ना यहाँ पे बड़े ही उग रहे हैं कभी कभी। देखो यहाँ पर बड़ा उग गया। इट्स ओके, आई थिंक बड़े वाले के बीच ये लोग स्पॉन हो जाते हैं, है ना। इट्स ओके, लेट्स सी, दूर भागता हूँ मैं एक बार यहाँ ऊपर जाके, थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस अब। लेट्स सी कि हमारे जानवर कब तक उगते हैं यहाँ पर, उगते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं यार। और जो मेरी तीन टॉर्चेज है ना भाई साहब, इन तीनों को ही मेरे को कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा अभी। ये भी तो वैसे स्पॉनेबल प्लेटफॉर्म्स हैं ये और ये। एंड एक जो टॉर्च है ना मेरी भाई साहब, इस टॉर्च को मैं यहाँ लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर नहीं तो स्पॉन हो जाएगा कोई ना कोई बदसूरत। एंड गाइस मैं बड़ी देर से यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे को आवाज़ नहीं सुनाई दे रही अंदर से। आई थिंक ये डीस्पॉन हो चुका है। नो, आई एम नॉट हैप्पी। अगर डीस्पॉन होगा तो, डीस्पॉन है, यस ये डीस्पॉन हो चुका है। हट, अब मैं गाइस एक चीज करना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब ये तो बंदा यहाँ से डीस्पॉन हो ही चुका है, अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट वी कैन डू वन थिंग, वी कैन डू वन थिंग। मैं इसको उठा देता हूँ यहाँ से, ताकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगेन यहाँ पर ये फिर से स्पॉन हो जाए कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तुम लोग मुझे थोड़ी बहुत टिप्स दे सकते हो कि भाई मैं ये नेम टैग कैसे लगाऊंगा बिना एनविल के, तो बिकॉज मैं नाम चेंज कर नहीं सकता हूँ, है ना। इसका मतलब है कि भाई मैं तो फिर नेम टैग दे ही नहीं पाऊंगा किसी को भी यार। आया क्या कोई? हेलो, कोई चिकन चुकन आई? नहीं, यहाँ पर अभी तो कोई भी नहीं आया है। वाई, एक बार सुबह करवा दी है मैंने गाइस। अभी यहाँ पर क्या करते हैं अभी मेरे को वैसे, हाँ ओके, मैं अपने लिए कुछ खाने का सामान निकालता हूँ यार, तब तक जब तक वो लोग वहाँ पे स्पॉन होते हैं। हम लोग यहाँ पर अपना ज़रा वीट फार्म चेक करेंगे। यस, मेरे को बहुत सारे ब्रेड्स की ज़रूरत है यार, मेरा हंगर लेवल बार बार नीचे जाता जा रहा है। 33 वीट्स, क्या बात है भाई साहब। लेट्स प्लांट देम बैक, ताकि यहाँ पर और रुक जाइए टाइम के साथ, ठीक है। मेरे पास इतनी सारी बोन मील है ना भाई, कि मैं बोन मील से उगाने वाला हूँ उनको बाहर में जाए। वीट फार्मर 64 स्टैक, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई साहब। तो भाई अब मेरे पास वीट के सीड्स भी बहुत सारे आ चुके हैं गाइस, अब तो मैं इस जगह को पूरा भर सकता हूँ इससे, ठीक है। व्हाट, ओ तू कहां से आया अब? आई हैव नो आइडिया बंदा कहां से स्पॉन हुआ। अरे गाइस मेरे इस जगह पे ना बहुत सारे लूप होल्स है यार। मतलब कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पैदा हुए जा रहा है यार। मेरे को मेक श्योर करना पड़ेगा कि भाई ये लोग बार बार स्पॉन ना हो, ये तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो मेरे साथ। ये मेरी पूरी की पूरी जगह भर चुकी है एंड स्टिल अभी मेरे पास गाइस 36 वीट के सीड्स बचे हुए हैं। अगर मेरी अभी मुर्गी यहाँ पे होती ना, मेरी सरला अगर यहाँ पे जिंदा होती गाइस, तो मैं डेफिनेटली उसको अभी बहुत सारे वीट सीड्स खिलाता, बिकॉज शी लव्ड देम। सो लेट्स सी। ओ नो गाइस, ओ माय गॉड गाइस, वी हैव काउज नाउ। ओ माय गॉड, मेरा पिग भी आ चुका है गाइस। आई हैव अ पिग, लिटरली आई हैव अ पिग नाउ। वेट अ सेकंड गाइस, वेट अ सेकंड। मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी यहाँ पर। मेरे को अभी सबसे पहले ये ट्रैप डोर चकने दो, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, मेरे को ये ट्रैप डोर यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ताकि लोग यहाँ से बाहर ना निकले। बिकॉज मैंने यहाँ के लिए वो फेंस नहीं बनाया ना, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। नाउ गाइस वी हैव विद अस काउज एंड स्टफ, वाओ वेरी क्यूट। ओह माय गॉड, ये गाइस पिग आ चुका है हमारे पास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो हेलो। और गाइस लेट्स डू वन थिंग, ओके लेट्स डू वन थिंग। आज ही हम लोग यहाँ पर इनको वीट खिलाते हैं एंड इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। हाय माय काउस, तेरे को तुम दोनों ब्रीडिंग करो और तू अलग से खा। ओए तीन एक साथ, ये क्या भाई, ये क्या मजाक है, तुम तीनों ने एक साथ कैसे किया, जो भी किया। और तेरा छोटे वाला आ गया गाइस। तेरे को मैं खाना खिलाता हूँ ना, ताकि तू थोड़ा सा बड़ा हो जाए, टाइम के साथ तू भी बड़ा हो जाएगा जल्दी। तुम लोग और खा लो यार, खुश रहो, तुम खुश रहो। और मुझे याद नहीं आ रहा कि भाई ये क्या खाता है हमारा। ओए सॉरी यार, मैंने हाथ में इसको उठाया हुआ ना, तू क्या खाता है भाई? ओके तू तो कैरेट खाता है ना भाई, सॉरी यार कैरेट नहीं मेरे पास भैया, कैरेट हमारे पास नहीं है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। बट
I have one thing, guys. I have a saddle. मैं अभी ये सैडल इसको लगाने वाला हूँ और मेरे को देखने वाला हूँ कि भाई क्या हम लोग इसकी सवारी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं या फिर क्या सीन है। उससे पहले हम लोग थोड़ी बहुत अपने लिए ब्रेड बनाने वाले हैं। पर यार एक भी चिकन यहाँ पर अभी तक स्पॉन नहीं हुआ। मैं चाहता था कि यहाँ पे चिकन स्पॉन होना चाहिए था यार। नाउ ओए मैं बैठूंगा तेरे पर, ठीक है मेरे को बैठने दियो चुपचाप से। ये पर इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता शायद से, राइट? कर सकता हूँ? नो, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। अरे मैं तेरे को खाने के लिए क्या दूँ मेरे को बता। माय गॉड, एक सेकंड, पहले नहीं लंबी लंबी ग्रास में कहाँ से हटाने दो, ठीक है? एंड लेट्स गो, चल आगे। ये आगे क्यों नहीं चल रहा है भाई? ओके, मुझे आइडिया नहीं कि भाई हम पिग की सफारी कैसे कर सकते हैं। देखो ये मेरे ऊपर आ चुका है। आई थिंक पहले इसको मेरे को वो कुछ खाने के लिए देना पड़ेगा ना, जैसे ही मेरा पेट बन जाएगा ना तो उसके बाद मैं शायद से इसको टेम कर सकता हूँ। मैं इसकी सवारी कर सकता हूँ। ब्रेड को देखकर भी नहीं आ रहा है, ब्रेड भी नहीं खाता है। बोन मिल खाएगा तू क्या? नहीं, बोन मिल भी नहीं खाएगा ऑब्वियसली। अभी कैरेट के अलावा कुछ तो खाता होगा तू भी, ऐसे कैसे? आई डोंट नो गाइस कि कैरेट के अलावा क्या खाता। गाइस यू गाइस कैन लेट मी नो ओके इन द कमेंट सेक्शन। भाई आज की वीडियो में को मजा ही आ गया सच में। लुक एट दिस, आवर फर्स्ट एनिमल्स गाइस, यू गाइस कैन से आवर सेकंड एनिमल्स, बिकॉज हमारी सरला थी जो कि डिस्पॉन हो चुकी है। आई हैव नो आइडिया कि अभी तक सरला यहाँ पर स्पॉन क्यों नहीं हुई है, बिकॉज चिकन्स आर ऑल्सो सपोज टू स्पॉन, ओके? बट इट्स ओके, मैं सरला का वेट करूंगा गाइस यहाँ पर स्पॉन होने के लिए। और तुम लोग भाई मेरे को कुछ टिप्स दे सकते हो, है ना, कि जैसे वो जो मेरा नेम टैग है भाई, इस नेम टैग को मैं नाम चेंज कैसे करूँ? एनविल के अलावा क्या कोई और तरीका होता है कि जिससे हम लोग नाम चेंज कर सके? बिकॉज अदरवाइज मेरा बंदा यहाँ पर डिस्पॉन नहीं होना था यार वो, है ना। एंड ऑल्सो कि भाई ये पिग क्या खाता है, चलो ये तो मैं खुद ही सर्च कर दूंगा ना। और मैं यहाँ से एक बार लूट चकने वाला हूँ, जो मेरे को यहाँ पे लूट मिली हुई है, बहुत सारी लूट है यहाँ पर। सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ओके कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ जो कि मैंने तुम लोगों को चीजें बताई है। इसके अलावा गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसी लगी है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मैं आप लोगों से ऐसे ही धासू नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ऑसम गाइस, बाय बाय। अभी तो हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं स्काई ब्लॉक के वर्ल्ड में, बहुत कुछ। स्टे ट्यून्ड सीरियसली।